कौन कौन है वहाँ? कुछ तो आवाज आ रही है। आवाज? कैसी आवाज? लगता है बिल्ली है। कृपया आप सो जाइए। नारायणी, जरूर वहां कोई तो है। मैंने अभी अभी किसी की आहट सुनी। कौन कौन है वहां? बाहर निकल। चांद, चांद तुम हो? नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। चांद, चांद होश में आओ। ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे पिताश्री हैं। मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे क्या हो रहा है माँ? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ बेटा, सो जाओ। लगता है कि शायद इन्हें पुनः झटके आने लगे हैं। इसी पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा है ना? दिन रात इसके साथ यही हो रहा है। कृपया इसे पकड़ के रखो। मुझे सचमुच कुछ भी पता नहीं है। ये कैसी बीमारी है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी देखा नहीं है। इनकी ऐसी अवस्था देखकर मुझे भी डर लग रहा है। हे भगवान! नहीं नहीं नहीं, मेरी गर्दन छोड़ो। चांद बेटा शांत हो जाओ। अरे कोई तो उसे पकड़ के रखो, वरना ये अपने आप को बुरी तरह से घायल कर लेगा। नहीं, मेरा गला घोट देगा। नहीं, मेरा गला घोट के मुझे मौत दे देगा। मैं ये यातना अब नहीं सह सकता। मुझे इस दिन अवस्था से छुटकारा दे दो। चांद बेटा, बेटा धीरज रखो और दर्द सहने की कोशिश करो। न जाने ये कैसी भयानक बीमारी है। राय साहब, देखिए यहाँ एक और वैद्य राज आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। आइए कविराज, आइए। मेरे पुत्र को कोई असाधारण बीमारी हुई है, कृपया मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। इसके बदले मैं आपको दौलत, अपनी संपत्ति और तो और यह विशाल राजमहल भी देने को तैयार हूं। मेरे पुत्र को इस दीन अवस्था से छुटकारा दिलाइए। बेटा चांद, सहन करने का प्रयास करो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। पिताजी, इस भयानक जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। हे काली माँ, आप मुझे मौत की भिक्षा दे दो। कृपया मुझ पर मेहरबानी कर इस दर्द को खत्म कर दो। मैं ये दर्द और नहीं सह सकता। राय बहादुर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। Yeah!
क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? दूर हो जाओ, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। राय बहादुर, यह कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी नहीं है। शरीर में कफ, पित्त या वात के असंतुलन से भी यह बीमारी नहीं हुई है। तो फिर यह कौन सी बीमारी है और किस वजह से पैदा हुई है? दुर्दैववश आपके बेटे को किसी ताकतवर आत्मा अर्थात अत्यंत क्रूर व भयानक भूत ने पकड़ लिया है। उसे एक ब्रह्म राक्षस कहते हैं। क्या? ब्रह्म राक्षस? हे भगवान! हाँ, और उस ब्रह्म राक्षस का इलाज केवल तंत्र विद्या में निपुण तांत्रिक ही कर सकते हैं। वैद्यराज, आप किसी ऐसे तांत्रिक को जानते हैं जो ऐसी तंत्र विद्या में पारंगत हो? आप चिंता मत कीजिए राय साहब, मैं एक प्रसिद्ध तांत्रिक को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका नाम है अघोरी बाबा। बम बम भोले, बम बम भोले। बाबा, आपके यहाँ पधारने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं बड़ी बेसब्री से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। अब आप ही हमारे पुत्र को इस दयनीय अवस्था से मुक्ति दिलाने में हमारे लिए आशा की एकमात्र सुनहरी किरण हो। राय बहादुर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाबा सब कुछ जानता है। बम बम भोले, बम बम भोले। मेरे पुत्र की भयानक अवस्था आप खुद ही देख लीजिए, वह बुरी तरह से कष्ट झेल रहा है। कृपया उसकी मदद जल्द से जल्द कीजिए। राघवेंद्र राय, आपको मालूम होना चाहिए कि सब भूत योनि में ब्रह्मराक्ष सबसे शक्तिशाली, दुष्ट व खतरनाक होते हैं, परंतु आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज अमावस की रात है और आप बाबा के साथ हैं। बाबा के पास सब का इलाज है। बम बम भोले, बम बम भोले। कल सुबह होने से पहले मैं इसका भूत उतार दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तथापि मेरी एक शर्त है, आज रात इस कमरे में आपके पुत्र और मेरे अलावा कोई भी उपस्थित नहीं होगा। बम बम भोले, बम बम भोले। राक्षस निकल जा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
चांद, चांद तुमने ये क्या कर डाला? यह तांत्रिक तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसी की जान ले ली। चांद, तुमने उसे जान से मार डाला है। मैंने क्या किया पिताश्री? मैंने कुछ गलती की है क्या? कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं ये क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता। मेरे साथ ये क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे केवल इतना पता है कि मैं भयंकर, अति भयंकर यातना का शिकार हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी जिंदगी बचाइए। हे कृपा निधि, मैं किस तरह आपकी प्रार्थना करूं? हे भगवान, अगर मैंने इस जीवन में आपकी कोई सेवा की होगी, कुछ अच्छा कार्य किया होगा, तो कृपा करके मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। मैं उसे ऐसी स्थिति में देख नहीं सकता। क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? राय बहादुर जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन कौन है, कृपया पधारिए। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपका एक शुभ चिंतक हूँ। आपके पुत्र की दयनीय अवस्था के बारे में मुझे पता चला है। आपके पुत्र की इस अवस्था से छुटकारा पाने का मात्र एक ही पर्याय है। उपाय है? क्या है, जल्दी बताइए। वह उपाय है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों की असीम कृपा। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। लाखों लोगों में जो मुक्त हैं और मुक्ति के ज्ञान से परिपूर्ण हैं, वो ही भगवान नारायण या कृष्ण का भक्त हो सकता है। और ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शांत हैं, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कृपा? फिर इस स्थिति में कोई आशा है? क्या हमें कोई ऐसी पावन आत्मा मिल सकती है? अगर है तो कृपया मुझे बताएं, मैं दुनिया के किसी भी कोने से उसे ले आऊंगा। प्रियवर्य राघवेंद्र बाबू, कभी कभी हम जिस गुप्त धन को दुनिया के कोने कोने में खोज रहे होते हैं, वह हमारे घर के आंगन में ही मिल जाता है। उसी प्रकार यह महान भक्त अपने पड़ोसी गांव खेतुरी में ही निवास कर रहे हैं। खेतुरी गांव? हाँ राय साहब, इस महान भक्त के अवतरण के विषय में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरे का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरे का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे हरि बोल। नरोत्तम, 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 नरोत्तम। इतना आक्रोश मैंने प्रभु को कभी इस अवस्था में नहीं देखा। ये विलाप का समाधान कैसे करें?
संकीर्तन। केवल संकीर्तन से ही प्रभु को संतुष्टि होती है। मुझे लगता है कि हमें तुरंत ही हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु को अभी भी होश नहीं आया, अब क्या किया जाए? मुझे लगता है हमें और जोर से कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय, तुम्हें अच्छी तरह से ये ज्ञात है कि संकीर्तन मेरे लिए सब कुछ है। संकीर्तन मेरा जीवन, मेरे प्राण धन है, और यही मेरी इच्छा है कि दुनिया के हर एक जीव को इस हरि नाम रूपी अमृत का आस्वादन प्राप्त हो। परंतु क्या प्रभु, यह प्रश्न चिन्ह क्यों? कुछ समय पश्चात हमारी यह लीला अंतिम पढ़ाव में आ जाएगी, तो हमारे पश्चात यह हरि नाम के प्रचार का उत्तराधिकारी कौन होगा? निताय कौन होगा? इस भगवत प्रेम की ज्योति को कौन प्रज्वलित करेगा? यह भगवत प्रेम किसे देना चाहिए? कोई है सक्षम जो इस पूरी दुनिया में हरि नाम संकीर्तन की क्रांति लाएगा? हे प्रभु, आप तो सर्वत्र हो, त्रिलोकदर्शी हो, भला ऐसी कोई बात है जो आपको ज्ञात नहीं? अतः आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे दो। कौन हो सकता है जो आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाए? कोई तो जरूर होगा आपके मन में। हाँ निताय, एक महान भक्त है जिसका नाम है नरोत्तम। नरोत्तम, इनका क्या परिचय है? कुछ क्षण पहले आप उसी का नाम जोर से पुकार रहे थे और विलाप कर रहे थे। आपके निजी भक्तों में मैं किसी नरोत्तम को नहीं जानता। नरोत्तम का इस संसार में अभी तक अवतरण नहीं हुआ है। शीघ्र ही पद्मावती के किनारे खेतुरी ग्राम में उनका जन्म होगा। इतना अद्भुत भक्त होगा कि उसके उच्चारण किए हुए हर एक शब्द से भगवत प्रेम की ध्वनि सुनाई देगी, और जो भी नरोत्तम की स्तुति करेगा उसे भगवत प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए अगर मैं भगवत प्रेम को नरोत्तम को सौंप दूं, तो हरि नाम संकीर्तन का पूरे विश्व में विस्तार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं नरोत्तम के जन्म के लिए बहुत उत्सुक हूं निताय,
बहुत उत्सुक हूँ। किंतु प्रभु, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसे आप यह प्रेम कैसे प्रदान करेंगे? कल ही मैं यह भगवत प्रेम की पूंजी पद्मावती को सौंप दूंगा। भविष्य में तुम ही इस भगवत प्रेम को नरोत्तम तक पहुंचाओगे और तुम ही बनोगे इस भगवत प्रेम को पूरे जगत में पहुंचाने का माध्यम। ध्यान से देखिए, महाप्रभु अपना भगवत प्रेम पद्मावती को सौंप रहे हैं। भविष्य में इस प्रेम के उत्तराधिकारी होंगे नरोत्तम। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया मुझे बताइए कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। हे पद्मावती देवी, मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य की पूर्तता हेतु आया हूँ। मेरा भगवत प्रेम धन मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। भविष्य में जब नरोत्तम नाम भक्त आपके पावन जल को स्पर्श करेंगे, तब आप यह पूंजी उन्हें सौंप देना माते। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, किंतु मैं नरोत्तम को कैसे पहचानूंगी? नरोत्तम के रोम रोम में भक्ति भाव है। वह इस जल में जब प्रवेश करेंगे, तब दिव्य रोमांच की अनुभूति होगी और आपके जल में बाढ़ आ जाएगी। और आज मेरे आगमन से जो अनुभूति आपको हुई है, वही अनुभूति नरोत्तम के आगमन से आपको उस दिन भी होगी। हे प्रभु, आपका प्रेम दिव्य है और आपके भक्त महान हैं। मैं नरोत्तम की प्रतीक्षा अवश्य करूंगी। हे भगवान, मैं अपने संतान के आगमन के लिए अत्यंत आतुर हूँ। प्रतीक्षा का एक एक क्षण कई सालों के भांति कठिन प्रतीत हो रहा है। मेरी आंखें लालायित हो रही हैं और नारायणी ने तो आने वाले संतान के लिए अति सुंदर, मुलायम और कोमल वस्त्र बनवा कर रखे हैं। उसके लिए स्वर्ण का झूला और बहुत सारे सुंदर आकर्षक खिलौने भी सजा कर रखे हैं। अभिनंदन ठाकुर, अभिनंदन। भगवान की असीम कृपा से आपको अति सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र प्राप्ति कत भालो खबर। अनेक धन्यवाद। मेरी तरफ से इस उपहार को स्वीकार करें। कत सुंदर होचे अमार पुत्रो। इसका मुखड़ा कितना आकर्षक है और इसकी आंखें तो देखो, बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर हैं। ओ बाबू, ताड़ाताड़ी आशो, ताड़ाताड़ी। इस आनंद के अवसर पर सारे खेतुरी ग्राम में प्रचुर मात्रा में अनाज, कपड़े, उपहार और प्रसाद का वितरण किया जाए। हर एक व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए, विशेष रूप से ब्राह्मण और साधुजन। मेरी इच्छा है कि मेरे पुत्र को सभी जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरी यह इच्छा है कि भगवान की महिमा का गुणगान करने हेतु खेतुरी में एक उत्सव मनाया जाए। जय जय गोविंद गोपाल गोदधा कृष्ण चंद्र करु कृपा करुणा शगो। जय राधे गोविंद गोपाल मनुमन
कृष्ण नाम दिलो प्रिय बोलो राम रखल राजा नाम रखे भक्त श्री राम जशोदा जननी बोले जादू बचा धन जशोदा जननी बोले जादू बचा धन अष्टतर शत नाम नील नारायण अष्टतर शत नाम नील नारायण हरे कृष्ण नाम दिलो प्रिय बोलो नाम रखे भक्त सीता आपके आगमन से हम सब धन्य हुए हैं। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। गोपाल, हे गोपाल, एक तो मिष्टी आर जल नहीं आसो तो। हे मुनिवर, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, सुंदर राज्य और खेतुरी ग्राम की सुशील प्रजा, परंतु पुत्र के बिना हमारा जीवन अपूर्ण था। और इतने वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी झोली में अनमोल रत्न डाल दिया। आप हमारे आनंद का अनुमान नहीं लगा सकते मुनिवर। कृपया हमारे पुत्र की जन्म कुंडली का निरीक्षण करके यथोचित नाम प्रदान कीजिए। जन्म कुंडली तो अद्भुत है। यह निश्चित ही किसी असाधारण व्यक्ति की पत्रिका है। इसके शरीर के अंगों पर जो अलौकिक चिन्ह है, इससे भी हम यह समझ सकते हैं कि यह बालक कोई महापुरुष ही है। सत्य वचन, यह बालक सद्गुणों से परिपूर्ण है और यह अत्यंत धार्मिक बनेगा। यह आपके इस पूरे प्रांत में सुख और समृद्धि लाएगा। हे मुनिवर, इस बालक का नाम क्या होना चाहिए? हम सबका यह विचार है कि बालक के नामों में इनमें से एक या अधिक अक्षरों का सम्मेलन होना आवश्यक है, न, र और त, क्योंकि नर
अर्थात व्यक्ति और उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ। इसकी जन्म पत्रिका से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह बालक निश्चित ही व्यक्तियों में सर्वोत्तम होगा। हमें लगता है कि उसके लिए नरोत्तम सर्वाधिक योग्य नाम रहेगा। भालो, अनेक भालो। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि पंडितों ने वही नाम रखा है जो एक महात्मा ने तुम्हारे गर्भधारण के पूर्व ही भविष्यवाणी की थी। परंतु मजुमदार, मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ। चेतावनी? हाँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। नरोत्तम को पद्मा नदी से दूर रखना बेहतर होगा। अगर यह पद्मा नदी के आवास में आ जाता है तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा दुखदायक हो सकता है। पद्मा नदी में संकट? नहीं नहीं नहीं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ इस सूचना के लिए। हम सदैव नरोत्तम को पद्मावती से दूर रखने का प्रयास करेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। ओगो सुनछो, आमादेर राजा रानीर बाड़ीते छेले जन्म होइछे। सुना है पुत्र अति सुंदर और आकर्षक है। क्या सच बोल रही हो? हाँ हाँ, आज तो उसका अन्नप्राशन उत्सव है। हम सबको आमंत्रित किया है राजा ने। चलो चलो, शीघ्र ही हम बालक को देखने जाते हैं। अरे अरे ठहरो भाई, कुछ भेंट तो लेकर चलो। हाँ हाँ, कुछ सुंदर भेंट लेकर चलते हैं। इतना आनंद हुआ कि हम तो भूल ही गए कि बच्चे को देखने खाली हाथ नहीं जाते। जनों, आप सभी का इस अनुष्ठान में हार्दिक स्वागत है। आपके आगमन और आशीर्वाद से मेरे पुत्र का अन्नप्राशन सफल हो गया है। मेरे लाल नरोत्तम, यह लो स्वादिष्ट मधुर खीर, इसका सेवन कर लो पुत्र। जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलो। अरे अरे, यह बालक अन्न ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है? मैं बताता हूँ इसका कारण। इस खीर का भोग भगवान को नहीं चढ़ाया, इसलिए वह प्रसाद नहीं है। और नरोत्तम तो सिर्फ भगवान के प्रसाद को ही स्वीकार करेगा। अर्थात हमें इस खीर का पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। हे उपस्थित ब्राह्मण जन, मुझसे भगवान को भोग न लगाने की भूल हो गई है, कृपया क्षमा करें। हमारे वंश में भगवत भक्ति की परंपरा है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह केवल भगवत प्रसाद का ही सेवन करे। नरोत्तम तो एक नन्हा सा बच्चा है, परंतु इस अल्पायु में भी वह धर्म जानता है। आज मैं धन्य हो गया। इसके आगे नरोत्तम को केवल प्रसाद ही दिया जाएगा। जय 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 हो जय हो। चलो चलो,
अब कुछ नया खेल खेलते हैं। देखते हैं किसमें कितना दम है। हो जाए रस्सी खेल। जो हारेगा वह विजेता को अपने कंधे पर बिठा के नदी पर घुमा के लेकर आएगा। खींचो, जोर से खींचो, नारू पूरी शक्ति से खींचो, 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 जोर से खींचो, जोर से। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों में जोर ही नहीं, आज कुछ प्रसाद लिया है कि नहीं? अरे अरे, जोर लगाओ, जोर लगाओ। अरे जोर लगाओ, जोर लगाओ, नहीं तो हम हार जाएंगे। हार गए, हार गए। हार गए ना? अभी चलो, तुम्हें पद्मा नदी पर अपने कंधों पर हमें लेकर चलना होगा। नारू नारू, तुम्हें मैं उठाता हूँ, आओ बैठो। चलो भाई, झुक जाओ। नारू नारू, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? पिताजी, मैं दोस्तों के साथ नदी में खेलने जा रहा हूँ। नारू, मैंने कितनी बार कहा है नदी की ओर नहीं जाना है? तुम्हें जो भी चाहिए उसकी व्यवस्था हम महल में करेंगे। तुम्हें महल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर पिताजी, मुझे नदी पर जाना है, मुझे उसका शीतल जल देखना है और दोस्तों के साथ खेलना है। नहीं नहीं नरोत्तम, तुम्हें नदी पर जाने में खतरा है। और तुम चिंता मत करो, महल के निकट मैं एक तालाब बनवा दूंगा, उसमें पद्मा नदी का जल भी डलवा दूंगा। फिर तुम उसमें खेल भी सकते हो, तैर भी सकते हो, और हमारे पहरेदार तुम्हारे ऊपर ध्यान भी रख पाएंगे। ध्यान रखो बच्चों, नारू के सामने कभी भी नदी का नाम मत लेना, ठीक है? क्या कर रहे थे आप लोग? आपने देखा नहीं नरोत्तम बड़ी नदी की ओर जा रहा था? आप कृपया नरोत्तम के ऊपर पूरा ध्यान रखिए और इससे आगे उसे अकेला मत छोड़ना। नरोत्तम के पिताजी खेतुरी ग्राम में अनेकों साधुओं द्वारा भागवत और चैतन्य कथा का आयोजन करते थे। कम आयु में ही नरोत्तम के मन में चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के प्रति आकर्षण का निर्माण हुआ और उनके मन में इन महान भक्तों के जीवन चरित्र को सुनने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। प्रभु, मैं नरोत्तम के लिए बहुत चिंतित हूँ। नरोत्तम ना ही खेलकूद में रुचि लेता है, ना ही वह पढ़ाई में ध्यान देता है। ऐसे लगता है कि जैसे वह संसार से विरक्त हो गया है। नारायणी, मैंने भी यह देखा है। बहुत समय साधु श्रवण करने में व्यतीत करता है और उसे चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के विषय में सुनने में बहुत रुचि हो रही है। वो हमेशा कहता है मुझे वृंदावन जाना है, महाप्रभु के शिष्यों से मिलना है और भगवान की सेवा करनी है। इतनी कम आयु में ऐसे घर छोड़ने का विचार वो कैसे कर सकता है? यह हमारा भाग्य ही है कि नरोत्तम को आध्यात्मिक जीवन की ओर लगाव है। किंतु नारायणी, इतना वैराग्य, वो भी इतनी छोटी आयु में। हम कायस्थ हैं, हमें सारे गांव का दैनिक कार्यकलाप संभालना है। अगर वह कर वसूली नहीं करेगा तो गांव वालों को कैसे संभालेगा? और अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं,
उसे अपना दायित्व उठाना ही होगा। नारायणी, क्यों ना हम नरोत्तम का विवाह करा दें? हो सकता है विवाह उसके जीवन में ठहराव ले आए। खूब भालो। मुझे संपत्ति की व्यवस्था और प्रजा से कर वसूली करने में बिल्कुल रुचि नहीं है। मुझे तो वृंदावन में रहना है। मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों से मिलना है। इसलिए मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा। नरोत्तम, तुरंत पद्मा की ओर जाओ। पद्मा के जल को स्पर्श करते ही वह महाप्रभु द्वारा दिया हुआ उपहार आपको सौंप देगी। वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जन्म से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य प्रेम की धरोहर मुझे सौंप कर गए थे। इस उपहार के आप ही सही उत्तराधिकारी हो, अतः इस दिव्य उपहार को ग्रहण करें। गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा। इस प्रकार से पद्मावती देवी से भगवत प्रेम प्राप्त होने के पश्चात नरोत्तम में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। दिन रात वह गौरंगा नित्यानंद पुकारते हुए वृंदावन जाकर अपना संपूर्ण जीवन महाप्रभु के आंदोलन में समर्पित करने की बातें करते थे और उचित समय देखकर उन्होंने घर से पलायन किया। 2 महीने की पदयात्रा के पश्चात हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, मैं कब वृंदावन पहुंचूंगा? कब वह दिव्य रंग भूमि मेरे नेत्र को तृप्त करेगी? मेरा यह शरीर निर्बल हो चुका है, परंतु मेरा मन वृंदावन को देखने के लिए ललायत हो रहा है। हे सज्जन, वहां पे कोई नगर है क्या? हाँ हाँ, यह तो वृंदावन है। आप रास्ता तो भूले नहीं। क्या वृंदावन? सच में वह वृंदावन है? मैं वृंदावन के नजदीक आ चुका हूँ। गौरांगा नित्यानंदा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझ जैसे पतित जीव को इस तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश दिया। मुझे अध्यात्म के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्या मुझे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का आश्रय मिलेगा? क्या मुझे लोकनाथ गोस्वामी से शिक्षा मिलेगी? यह वृंदावन की रज, यह कोई साधारण रज नहीं है। यह तो चिंतामणि है। यहां सब कुछ दिव्य पारस मणि की तरह है।
यह भूमि भगवान कृष्ण के पद कमलों के स्पर्श से पावन हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी क्षेत्र में लीलाएं संपन्न की। यही वो गायों को चराते थे, यही पे उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया और ब्रजवासियों का रक्षण किया। हे कृष्ण, मुझे सब भौतिक कामनाओं और चिंताओं से मुक्त करके वृंदावन समझने की शक्ति दीजिए। Vrindavan
जन्म स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रत्न मंदिर लानो राधे 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 राधे, आज तूने ठाकुर जी के दर्शन लिए क्या? हाँ हाँ, आज मंदिर में बड़ा त्योहार मना रही है। बहुत सुंदर श्रृंगार था आज ठाकुर जी का। मैया, यह कौन सा मंदिर है? अरे बाबा, ठीक तो हो ना? अरे ये कौन अजनबी है, हमारे ठाकुर जी को भी नहीं जानता? ये गोविंद जी है महाराज, गोविंद जी। क्या क्या गोविंद जी? नरोत्तम नरोत्तम, आपका वृंदावन में स्वागत है। मेरा नाम जीव गोस्वामी है। क्या जीव गोस्वामी? किंतु आप कैसे जानते हैं कि मैं नरोत्तम हूं? चैतन्य महाप्रभु ने आपके जन्म और कार्य के बारे में बहुत साल पहले भविष्यवाणी की थी। वृंदावन के सारे भक्त आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी प्रत्यक्ष रूप में आपसे भेंट हुई है, इसलिए हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं है। आओ नरोत्तम। एक विशेष व्यक्ति से आपकी भेंट कराना चाहता हूं। क्या तुम थक गए हो? क्या थोड़ा और चल सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये है लोकनाथ गोस्वामी, ये हम सब में सबसे वरिष्ठ भक्त है। सबसे प्रथम यही वृंदावन आए थे। प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूं। आज मैंने मेरे आश्रय, मेरे गुरु श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन प्राप्त किया है, जो मुझे श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्रदान कर सकते हैं। नरोत्तम ने वृंदावन में रहकर लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा करके उनका मन जीत लिया और उनसे दीक्षा प्राप्त की। अनेक भक्तों के साथ उन्होंने संकीर्तन का आयोजन किया। कुछ समय पश्चात वे महाप्रभु के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए निकल पड़े और जगन्नाथपुरी आ पहुंचे। पुरी में स्वयं महाप्रभु ने उन्हें खेतुरी जाकर प्रेम संकीर्तन के आयोजन का आदेश दिया। नारू, नारू, तुम नारू ही हो ना? मैंने सुना है तुम बहुत बड़े साधु हो गए हो। मुझे लग रहा था कि अब मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। क्या आश्चर्य है, हम बहुत धन्य हो गए हैं बाबू। भाइयों, चलो चलो, पूरे गांव में समाचार दे दो कि अपना नरोत्तम लाल वापस आ गया है। अरे अरे, सुना सुना तुमने, अपना नरोत्तम लाल वापस आ गया है। चलो चलो, तुरंत यह समाचार कृष्णानंद और नारायणी देवी को देते हैं। Thank you.
नरोत्तम 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 मेरा लाल नरोत्तम, मेरे पुत्र, आज मुझे जो आनंद हो रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। नरोत्तम, इतने वर्षों के पश्चात मारा पुत्र वापस घर आया है। देखो नारायणी, देखो 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 नारायणी, हमने तो सुना था नरोत्तम के बारे में कि वो बड़ा साधु बन गया है। साधु, तुम सत्य है, एकदम सत्य है। अभी नरोत्तम कृष्ण की उत्तम भक्ति करने में और प्रचार करने में पूर्ण रूप से लीन हो गया है। नरोत्तम 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 पुत्र नरोत्तम, इतने समय पश्चात तुम्हें देखकर मेरा चिंतित मन शांत हो गया है। तुम्हारे जाने के पश्चात एक दिन मानो एक युग के भांति लग रहा था। हर दिन मैं सोचती थी कि तुम ठीक तो हो ना, तुम किसी संकट में तो नहीं हो ना, क्या तुम्हें राजमहल के सुरक्षित वातावरण के बाहर इस दुनिया में सुख मिला होगा। इस माँ की एक विनती मान लो पुत्र, वापस यह खेतुरी छोड़कर मत जाना, यहीं पर रहना और तुम्हारा भक्ति कार्य भी यहीं से संपन्न करना। मैं यह जानती हूँ कि तुम अभी बड़े हो चुके हो, अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हो, परंतु कृपा करके अपने माता पिता के साथ रहो। हमारे मृत्यु के पश्चात तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। माते, आप चिंता ना करो, आपका नरोत्तम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मेरे कारण जो आपको दुख हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अभी इसके पश्चात आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यही खेतुरी में स्थित होकर अपने भक्ति कार्य करने का प्रयास करूंगा। मैं तो बस अपने गुरु का आश्रय और शिक्षा प्राप्त करने हेतु वृंदावन गया था। ठाकुर जी, आपके लिए एक संदेश आया है, किसी लोकनाथ जी का वृंदावन से है। क्या मेरे गुरुदेव ने मुझे संदेश भेजा है? मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरे प्रिय नरोत्तम, मैं यह आशा करता हूँ कि तुम अच्छे स्वास्थ्य में हो। तुम एक ऐसे पारस मुनि हो जिसके हृदय में सदा भगवान वास करते हैं। यह मेरी इच्छा है कि खेतुरी गांव के लोग अर्च विग्रह सेवा और संकीर्तन में एकत्रित होकर जुड़ जाए और भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। इसलिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराने का आयोजन करो। हे गुरुदेव, आपने इस दास का हृदय पढ़ लिया। धाम की यात्रा करने के पश्चात मेरे मन में अर्च विग्रह और महाप्रभु के भक्तों को एकत्रित करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई है और आपके पत्र ने इसका समर्थन किया। आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु मैं तुरंत ही खेतुरी में अत्यंत सुंदर और भव्य मंदिर स्थापन करने की तैयारी करता हूँ। कल ही मेरे भ्राता राजा संतोष राय से मिलकर इस कार्य में
सहायता की विनती करता हूँ। नरोत्तम आचार्य प्रणाम। आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, कैसे आना हुआ? हे भ्राताश्री, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण निवेदन लेके आया हूँ। मेरे गुरुदेव की यह इच्छा है कि खेतुरी ग्राम में एक भव्य और विशाल मंदिर की स्थापना हो, जिससे भक्त अर्च विग्रह की सेवा और संकीर्तन में जुड़ जाए। मंदिर निर्माण के पश्चात हम एक बड़ा महोत्सव आयोजित करेंगे, जिसमें महाप्रभु के उड़ीसा और बंगाल के सारे भक्त एकत्रित होंगे। इससे वृंदावन के गोस्वामी जी की शिक्षाओं और शास्त्रों का प्रचार करने में सहायता होगी। मैं आपके सुझाव से बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक उत्सव का आयोजन करना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ, और इसके लिए सारे धन की व्यवस्था मैं स्वयं कर लूंगा। शीघ्र ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करते हैं। हे नरोत्तम, तुम्हारा यह प्रस्ताव सुनकर बड़ा अच्छा लगा। महाप्रभु के सारे भक्तों को एकत्रित करके मंदिर स्थापना का उत्सव निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगा। परंतु क्या आचार्य, क्या आपको कोई कठिनाई दिख रही है? इतने बड़े उत्सव का आयोजन करना कोई सरल कार्य नहीं है। क्या तुम इतने बड़े उत्सव का आयोजन ठीक से कर पाओगे? आचार्य, इसलिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है, हम भक्त अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो जरूर यह उत्सव यशस्वी होगा। महाप्रभु के सभी पार्षद अपने अपने स्थान में स्थित है, क्या वह यात्रा करने के लिए तैयार होंगे? भारत के अलग अलग प्रांतों में हमारा संदेश उन तक कौन पहुंचाएगा? और इतने सारे भक्त अगर खेतुरे में आते हैं तो उनके रहने की और प्रसाद की व्यवस्था हम कर पाएंगे? आचार्य, खेतुरी में मैं कई भक्तों को जानता हूँ जो इस आमंत्रण का संदेश भारत भर पहुंचा सकते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाप्रभु के सब भक्त उत्सव में आने के लिए उत्साहित होंगे। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं नरोत्तम। हम सभी भक्तों को आमंत्रित करेंगे और उनका खेतुरी में अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। नरोत्तम, तुम्हारी सोच और उत्सुकता के समक्ष भला कौन सी रुकावट आ सकती है? यह इतिहास का सबसे पहला गौर पूर्णिमा उत्सव होगा। इस प्रकार नरोत्तम और श्रीनिवास आचार्य के निर्देशन में पूरा खेतुरी गांव इतिहास के सर्वप्रथम गौर पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी में जुट गया। कहीं मंदिर निर्माण चल रहा था तो कहीं भारी मात्रा में भोजन सामग्री एकत्र की जा रही थी। गांव के हर घर में उत्सव के लिए आने वाले भक्तों के रहने का प्रबंधन हो रहा था। पूरा गांव सेवा और भक्ति के भाव से परिपूर्ण हो गया था। एक दिन अरे देखो देखो, ठाकुर जी आ रहे हैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपका यह उत्साह और सेवा भाव देखकर मैं बहुत प्रेरित हो गया हूँ। आप में से किसी को विप्रदास के घर का मार्ग पता है? वही धान्य बेचने वाला विप्रदास ना, वो तो यही रहते हैं सामने।
अरे ठाकुर जी, आप स्वयं कुछ सेवा है तो किसी से संदेश भेज देते, मैं तुरंत आ जाता। कृपा मुझे आपके चावल के भंडार गृह में जाने की अनुमति दीजिए। चावल का भंडार गृह? चावल? क्या कारण होगा? ठाकुर जी, आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास केवल उत्तम धान्य है और वह भी भरपूर मात्रा में। आप निश्चिंत होकर यहीं बैठिए और बस आदेश दीजिए। आपको जो चाहिए मैं यहीं लेकर आता हूँ। आपको स्वयं किसी भंडार गृह में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, मुझे चावल की आवश्यकता नहीं है, मैं बस भंडार गृह में जाना चाहता हूँ। यही है ना वह चावल का भंडार गृह? वह भंडार गृह? नहीं नहीं ठाकुर जी, क्षमा कीजिए, पर आप उस कमरे में नहीं जा सकते। क्यों नहीं? वास्तव में उस भंडार गृह में बहुत सारे जहरीले सांप घुस गए हैं, और अगर कोई उस द्वार के निकट में भी चला जाए तो सभी सर्प अंदर से जोर जोर की फुकार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमने वह कमरा बंद करके रखा है। आप चिंता ना करें विप्रदास, वह सर्प मुझे नहीं सताएंगे। ठाकुर जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? पूरा गांव जानता है इस कमरे के बारे में। आप सभी समझाए ना ठाकुर जी को। मेरी बात मानिए ठाकुर जी, आप मुझे और कोई भी आज्ञा दे दीजिए पर वहां मत जाइए। मैंने कई सपेरों को बुलाकर वहां से सांपों को निकलवाने का प्रयत्न किया है, पर सभी प्रयत्न विफल रहे। वहां इतने सांप है कि कोई सपेरा भी अंदर नहीं जा पाया। हाँ हाँ ठाकुर जी, वहां मत जाइए, वह सत्य कह रहे हैं। आप सभी घबराइए मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस भंडार गृह में एक अत्यंत मूल्यवान चीज है जिसे देखकर आप सभी को अत्यंत आनंद होगा। देखिए मैं अभी आया। ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठहरिए, मत जाइए वहां। नहीं नहीं ठाकुर जी, रुकिए। जानवा माता, खेतुरी ग्राम में आपका स्वागत है। खेतुरी ग्राम आज आपके आगमन से धन्य हो गया। हमें चिंता हो रही थी कि आप आ पाएंगे या नहीं। नरोत्तम, हम भक्तों को मिलने का ऐसा अवसर कैसे छोड़ सकते थे? तुमने तो पूरे खेतुरी ग्राम को वैकुंठ में ही परिवर्तित कर दिया है नरोत्तम। माते, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, यह तो केवल श्रीनिवास जी के उत्तम मार्गदर्शन और राजा संतोष राय के उदारता के कारण संभव हुआ। प्रिय वैष्णव जन, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी के पार्षद और प्रिय निजी भक्तों का खेतुरी ग्राम में स्वागत है। विशेषतः जानवा माता और उनके शिष्य वृंदावन दास, रामदास, रघुनंदन, श्री निधि, श्रीपति, ऐसे कई सारे मान्यवर भक्तों से खेतुरी ग्राम
उल्लासित हो गया है। आपके उत्साहपूर्ण दिव्य उपस्थिति से यह ऐतिहासिक सम्मेलन परिपूर्ण और यशस्वी हो गया है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अब जिसकी हम आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे वह क्षण आ गया है। Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नरोत्तम, अब हम सब की यही इच्छा है कि तुम अपना दिव्य प्रेम संकीर्तन आरंभ करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदे गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते न ज्ञान बबनीरा गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते न ज्ञान बबनीरा करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ होने रहु मोर आसो प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते न ज्ञान बबनीरा गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर नित है गौर है नित है गौर है नित है गौर है नित है गौर है
रहे निताई है गोर रहे निताई है गोर रहे निताई गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल इस प्रकार नरोत्तम के भक्तिपूर्ण प्रेम संकीर्तन से स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित खेतुरी ग्राम में अपने दिव्य रूपों में प्रकट हुए और नरोत्तम ने अपने भक्ति और प्रचार कार्य से संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके साथ ही उन्होंने चांद राय को ब्रह्म राक्षस के प्रकोप से मुक्त करके उसका भी उद्धार किया। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय।